हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस में आज क्या खास सीखने वाले हैं। जैसे कि सुबह मैंने आपको अपर केस और लोअर केस के बारे में बताया था, लेकिन ये वीडियो जो है प्रॉपर केस की होने वाली है। तो ये प्रॉपर केस क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सिटी का नाम लिखा हुआ, ये देवरिया है, ये गोरखपुर है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लखनऊ है और ये दिल्ली है। बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखा हुआ है, यह ना तो लोअर केस है ना तो अपर केस है और प्रॉब्लम यहीं पे है। तो इस कंडीशन में इसको सही करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे और वो क्या है आइए समझते हैं, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। यहां से सबसे पहले हम क्वेरी बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और एक क्वेरी बनाएंगे। तो यहां इसको ऐड करा लेता हूं, फिलहाल हमें मतलब है नेम ऑफ सिटी से, तो ये नेम ऑफ सिटी हमने ले लिया है। और यहां पर आपको थोड़ा सा बेटर वे में मैं दिखाता हूं कि यहां पर आपको कैसे लिखना है। तो यहां पर मैं कर देता हूं प्रॉपर, प्रॉपर के लिए पी लिख दिया, यहां पे कॉलन लगा दिया। ठीक है, आप कोई और सिंबल भी दे सकते हैं, मैंने पी दे दिया है। यहां पे हम लगाएंगे स्ट्रिंग, एस टी आर लगा दिया। एस टी आर लगाने के बाद यहां पे लगाइए कन्वर्ट, कन्वर्ट सी ओ एन वी, ये कन्वर्ट लगा दिया। और कन्वर्ट लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। हमें नाम क्या लेना है, फील्ड का नाम लेना है, नेम ऑफ सिटी। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है नेम ऑफ सिटी वैसे ही आप भी लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देता हूं। अब पहले नंबर पे ये नेम ऑफ सिटी दिया हुआ है, देख सकते हैं, और यहां पे दूसरे पे हम क्वेरी बना रहे हैं। पहले नंबर पर नेम ऑफ सिटी दिया हुआ है और दूसरे पे हम क्वेरी बना रहे हैं। यहां पे मैं कॉमा करके टू लिख देता हूं, इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को कर देता हूं क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहां से ओके कर देते हैं प्रेस। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आप देखिएगा क्या आएगा। यहां से जैसे ही रन पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये सारा का सारा बिल्कुल अरेंज वे में लोअर केस में कन्वर्ट होकर के आ गया है। अपर केस में तो आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो है प्रॉपर वे में अब आ गया है। अब ये तो लोअर केस है, यहां पर ना तो ये अपर केस था ना तो लोअर केस था। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे में आ गया है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो ये तो लोअर केस हो गया, लेकिन अपर केस तो आप जानते ही हैं कैसे हमने किया था। चलिए एक और ट्रिक बताता हूं आपको, इस बार हम इसको प्रॉपर केस में लेके आएंगे, पूरा प्रॉपर केस में। तो यहां पूरा मैं पीसी लिख देता हूं, यानी प्रॉपर केस। अब यहां पर क्या करना है, जैसे ही प्रॉपर केस देंगे तो यहां पर लिखिएगा एसटीआर जो लिखा था, कन्वर्ट करना है सीओएन वी लिखिएगा, और जैसे ही ये लिखिएगा तो स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। सी ओ एन वी लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए नेम ऑफ सिटी, ये कुछ इस तरीके से नेम ऑफ सिटी लिखा। जैसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को पहले क्लोज कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं थ्री लिखता हूं, तो थ्री लिखने से क्या होगा, तो यहां से ओके करता हूं। ठीक है, मैंने टू लिखा था तो लोअर केस था, थ्री लिखा है तो सेंटेंस, यानी कि ये प्रॉपर केस में चेंज हो जाएगा। थ्री लिखने से क्या होगा, प्रॉपर केस में चेंज हो जाएगा ये। तो चलिए अब इसको रन करवाने की बारी है, तो रन करवा लेते हैं। तो यहां पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल आ जा रहा है। तो ये हो गया प्रॉपर केस। ठीक है, इसी क्वेरी को हम दोबारा से यहां पर आते हैं, यहां पर दोबारा से एक और क्वेरी लगाते हैं। जैसे हम अपर केस करना चाहते हैं, यूसी लिख देता हूं यहां पे, सेमीकोलन लगा लेता हूं, सेमीकोलन नहीं बल्कि कोलन लगाना है आपको इस तरीके से। अब यहां पर क्या करता हूं, strconv यानी स्ट्रिंग कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करेगा ये। यहां पे लिख देता हूं नेम ऑफ सिटी, ये लिख दिया नेम ऑफ सिटी, बंद किया स्क्वायर ब्रैकेट को, यहां पर कॉमा दिया। यहां पर अगर मैं वन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वन कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा, ये बन जाएगा अपर केस। अपर केस बनाने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, यहां से ओके कीजिए और यहां से रन करवा दीजिए, तो आप देखेंगे ये पूरा ही अपर केस में आ जा रहा है। दो हमने लिखा था तो लोअर केस आ रहा था, हमने लिखा था तो लोअर केस आ रहा था, तीन लिखने पे प्रॉपर केस आ रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है हमने, देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां पर हमने लिखा है वन, वन लिखने से अपर केस आएगा, दो लिखने से क्या आएगा लोअर केस आएगा, तीन लिखने से क्या आएगा प्रॉपर केस आएगा, फोर लिखिएगा तो एरर आएगा, कैसे देखिए यहां पर लिख के दिखा देता हूं, फोर नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां फोर लिखेंगे तो ये आ जाएगी एरर, तो कुछ इस तरीके का एरर आएगा, हैशटैग फंक्शन इस तरीके से एरर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।